स्टूडेंट्स, आज आप चैप्टर रीड करेंगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 9th। 8 चैप्टर तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। 9 चैप्टर है हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप एक तृतीय क्रियाकलाप के रूप में व्यापार सबसे पहले ही परिचित हैं, जो आप इस पुस्तक के अध्याय 7 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जब मैंने आपको टर्शियरी एक्टिविटीज़ पढ़ाई तो वहाँ पर मैंने आपको ट्रेड के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, तो आप जानते हैं कि व्यापार का तात्पर्य होता है वस्तुओं और सेवाओं के स्वैच्छिक आदान प्रदान से होता है। व्यापार का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? जो वस्तुओं व सेवाओं का स्वैच्छिक मतलब उसकी इच्छा के द्वारा, ठीक है, आदान प्रदान क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। व्यापार करने के लिए दो पक्षों का होना आवश्यक है। एक व्यक्ति या पक्ष बेचता है और दूसरा उसे खरीदता है, मतलब सेलिंग और परचेजिंग इसमें होनी चाहिए। कुछ स्थानों पर लोग वस्तुओं का विनिमय करते हैं, विनिमय मतलब एक्सचेंज करते हैं। व्यापार दोनों ही पक्षों के लिए समान रूप से लाभदायक होता है। व्यापार दो स्तरों पर किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, विद इन कंट्री किया जाता है तो वो राष्ट्रीय स्तर, और टू कंट्रीज़ या मोर देन टू कंट्रीज़ के बिटवीन होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न राष्ट्रों के बीच राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहेंगे? जो विभिन्न राष्ट्रों के बीच राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार वस्तुओं और जो सेवाओं का आदान प्रदान होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। राष्ट्रों को व्यापार करने की आवश्यकता उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए होती है जिन्हें या तो वे स्वयं उत्पादित नहीं कर सकते या जिन्हें वे अन्य स्थान से कम दामों में खरीद सकते हैं। देखिए, राष्ट्रों को व्यापार करने की आवश्यकता क्या होती है? अभी मैंने आपको क्लियर किया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहा जाता है? जो दो राष्ट्रों के बीच में होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। ठीक है, लेकिन राष्ट्र जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसकी आवश्यकता क्यों है? देखिए, कोई भी राष्ट्र जो व्यापार करता है, व्यापार करने की आवश्यकता उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए होती है। उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? व्यापार की ज़रूरत होती है, जिन्हें या तो वह स्वयं उत्पादित नहीं कर सकता, ठीक है, जिसका प्रोडक्शन वह खुद नहीं कर सकता। दूसरी बात, या वे उसे कम दाम पर अवेलेबल हो रही हैं, ठीक है, कम कीमत पर अवेलेबल हो रही हैं, उपलब्ध हो रही हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक राष्ट्र करता है। आदिम समाज में व्यापार का आरंभिक स्वरूप विनिमय व्यवस्था थी। यदि शुरुआत की यदि बात करें तो उस समय भी जो व्यापार था वह विनिमय था। विनिमय मीन्स आप ये कह सकते हैं यहाँ पर कि मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ठीक है, वस्तुओं का आदान प्रदान, मतलब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु, मतलब इस तरीके का यहाँ पर सिस्टम था पहले जिसमें वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान होता था। जैसे मैं आपको कुछ देती हूँ उसके बदले मैं आपसे कुछ वस्तुएँ लेती हूँ, ठीक है, वस्तुओं का आपस में एक्सचेंज करना, अर्थात वस्तु के बदले में रुपए के स्थान पर वस्तु ही दी जाती थी। आज के टाइम पे हम करेंसी से चीज़ें परचेज करते हैं, लेकिन उस टाइम पे क्या होता था? वस्तुओं के बदले वस्तु ही दी जाती थी। इस व्यवस्था में यदि आप एक कुम्हार होते और आपको एक नल साज की आवश्यकता होती तो आप एक ऐसा नल साज ढूंढना पड़ता जिसे आप द्वारा बनाए गए बर्तनों की आवश्यकता होती। आप उसकी नल साज की सेवाओं के बदले अपने बर्तन देकर आदान प्रदान कर सकते थे। ठीक है, ये आपको एक एग्जांपल देकर बता दिया है। उसके बाद देखिए, हर जनवरी में फसल की कटाई की ऋतु के बाद गुवाहाटी में 35 किलोमीटर दूर जोकी रोड में जोन बिल मेला लगता है और संभवतः यह भारत का एकमात्र मेला है जहाँ वस्तु जहाँ विनिमय व्यवस्था आज भी जीवित है। देखिए, भारत में यदि मैं बात करूँ तो सिर्फ एक ही जगह ऐसी है जहाँ पर आज भी वस्तुओं का विनिमय किया जाता है। वो कहाँ पर है भाई? वो मैंने आपको बताया है कि गुवाहाटी, ठीक है, असम में है गुवाहाटी। वहाँ से 35 किलोमीटर दूर जागी रोड में जोन बिल मेला लगता है, ठीक है, जहाँ वस्तुओं का आज भी विनिमय किया जाता है। इस मेले के दौरान एक बड़े बाजार की व्यवस्था की जाती है जो विभिन्न जनजातियों तथा समुदायों के लिए अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान करता है। रुपये अथवा मुद्रा के आगमन के साथ ही विनिमय व्यवस्था को कठिनाइयों को दूर कर लिया है। रुपये और मुद्रा के जब आगमन हो गया है, ठीक है, जब करेंसी का यूज़ हम करने लग गए हैं तो जो वस्तुओं का आदान प्रदान है वह काफ़ी आसान हो गया है। क्योंकि आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि जैसे मान लो मैंने किसी चीज़ का प्रोडक्शन किया है, ठीक है, जैसे पीछे एग्जांपल दिया था बर्तन का किया है, तो अब मुझे वो इंसान ढूंढने पड़ेंगे जिनको बर्तन की आवश्यकता है, ठीक है, तब जाके मुझे मतलब मेरे बदले में जो चीज़ मुझे रिक्वायर्ड है मैं उसे ले सकती हूँ। तो ये एक डिफ़िकल्ट मतलब
डिफ़िकल्ट था हमारे लिए इस तरीके से ट्रेड करना। तो अब जब से रुपया या मुद्रा जब से आई है तब से यह क्या हो गया है, हमारे लिए आसान हो गया है। पुराने समय में कागजी व धात्विक मुद्रा के आगमन से पहले उच्च निजमान वाली मूल्य वाली दुर्लभ वस्तुओं को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था, जैसे चकमक पत्थर, ऑब्सीडियन, आग्ने कांच, कावरी सोल, चीते के पंजे, हवेल के दांत, कुत्ते के दांत, खाल बाल, मवेशी, चावल, पेपरकॉर्न, नमक, छोटे यंत्र, तांबी, चांदी और स्वर्ण। चलिए अब ये देख लेते हैं आपको बॉक्स में क्या दे रखा है, क्या आप जानते हैं। देखिए, क्या आप जानते हैं कि सैलरी जो शब्द है वो किससे बना हुआ है। सैलरी आप जनरली सुनते रहते होंगे, बहुत बार आपने सुना होगा। तो सैलरी जो शब्द है वह किससे बना है, एक लेटिन शब्द है जिसका नाम क्या है, सैलरियम है, इससे बना हुआ है, जिसका अर्थ है नमक की द्वारा भुगतान। ठीक है, क्योंकि उस समय समुद्र की जल से नमक बनाना ज्ञात नहीं था। काफ़ी समय पहले की यदि हम बात करें तो उस समय भी जो आज के टाइम पे, ठीक है, समुद्र के पानी के द्वारा जो नमक बनाया जाता है वह ज्ञात नहीं था और उसे केवल खनिज नमक से बनाया जा सकता था, जो प्रायः दुर्लभ और खर्चीला होता था। नमक काफ़ी खर्चीला होता था, यही वजह है कि भुगतान का एक माध्यम क्या बनाया गया था, सैलरी बनाया गया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास देख लेते हैं। प्राचीन समय में लंबी दूरियों तथा वस्तुओं का परिवहन जोखिमपूर्ण होता था, इसलिए व्यापार स्थानीय बाजारों तक ही सीमित रहता था। देखिए, यदि हम प्राचीन समय की बात करें तो काफ़ी डिस्टेंसेस होते थे। ठीक है, जो लंबी दूरियों के व्यापार होते थे वो संभव नहीं होते थे और इसलिए जो व्यापार है वह स्थानीय बाजारों तक ही सीमित रह जाता था। लोग अपने संसाधनों का अधिकांश भाग मूलभूत आवश्यकताओं, जो भी उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल होते थे वो मूलभूत आवश्यकताओं के लिए उनका प्रयोग करते थे, जैसे कि भोजन है, वस्त्र पर ही खर्च करते थे। केवल धनी लोग ही आभूषण में महंगे परिधान खरीदते थे और परिणामस्वरूप विलास की वस्तुओं का व्यापार आरंभ हुआ। इसी के परिणामस्वरूप क्या हुआ, विलास की जो वस्तुएं हैं उनका आरंभ हुआ। रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का एक आरंभिक उदाहरण है। 6000 किलोमीटर लंबे मार्ग के सहारे रोम को चीन से जोड़ता था। रेशम मार्ग कौन कौन सी टू कंट्रीज़ को आपस में जोड़ रहे हैं, यहाँ पर रोम और चाइना टू कंट्रीज़ हैं और यह 6000 किलोमीटर लंबा मार्ग है। जो व्यापारी भारत पर्शिया किसे बोला जाता था, पहले ईरान को ही बोला जाता था, आज के समय पर हम इसे ईरान नाम से जानते हैं, बट पहले इसे पर्शिया के नाम से जाना जाता था। मध्य एशिया के मध्यवर्ती स्थानों से चीन में बने रेशम और रोम की ऊन और बहुमूल्य धातु तथा अनेक महंगी वस्तुओं का परिवहन करते थे। रोमन साम्राज्य के विखंडन के पश्चात 12वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय वाणिज्य में वृद्धि हुई और समुद्रगामी युद्धपोतों के विकास के साथ ही यूरोप तथा एशिया के बीच व्यापार बढ़ा और अमेरिका की खोज हुई थी। 15वीं शताब्दी से यूरोपीय उपनिवेशवाद शुरू हुआ और विदेशी वस्तुओं के साथ व्यापार के साथ ही व्यापार के एक नए स्वरूप का उदय हुआ, जिसे दास व्यापार कहा गया। देखिए, दास व्यापार किसे कहा गया है, 15वीं शताब्दी में, ठीक है, यूरोपीय उपनिवेशवाद शुरू हुआ था और विदेशी वस्तुओं के साथ व्यापार के साथ ही व्यापार के एक नए स्वरूप का उदय हुआ, जिसे क्या कहा गया है, दास व्यापार कहा गया है। फिर उसके बाद देखिए, पुर्तगालियों, डचों, स्पेनिश लोगों व अंग्रेजों ने अफ्रीकी मूल निवासियों को पकड़ा और उन्हें बलपूर्वक बागानों में शरम हेतु नई खोजे गए अमेरिका में प्रवाहित किया। दास व्यापार 200 वर्षों से भी अधिक समय तक एक लाभदायक व्यापार रहा है। देखिए, पुर्तगालियों जो डच थे, स्पेनिश थे, अंग्रेज थे, अफ्रीकी के मूल निवासियों को पकड़ा और उन्हें बलपूर्वक बागानों में शरम हेतु नए खोजे गए अमेरिका में प्रवाहित किया गया। इस व्यापार 200 वर्षों से भी अधिक समय तक यह लाभदायक रहा। यह सन 1792 में डेनमार्क में और 1807 में ब्रिटेन में और 1808 में संयुक्त राज्य में पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं कर दिया गया। औद्योगिक क्रांति के पश्चात कच्चे माल जैसे कि अनाज, मांस, उनकी मांग भी बढ़ी, लेकिन विनिर्माण की वस्तुओं की तुलना में उनका मौद्रिक मूल्य जो है वह घट गया। औद्योगिक राष्ट्रों ने कच्चे माल के रूप में प्राथमिक उत्पादों का आयात किया और मूल्य प्रक तैयार माल को वापस अनौद्योगिक राष्ट्रों को निर्यात किया। 19वीं सदी के यदि उत्तरार्ध की शुरुआत की बात करूं तो प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले प्रदेश अधिक महत्वपूर्ण नहीं रहे और औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे के मुख्य ग्राहक बन गए। देखिए, 19वीं सदी की यदि मैं बात करूं तो प्राथमिक वस्तुओं का जो उत्पादन कर रहे थे, ठीक है, वह वाले प्रदेश अधिक महत्वपूर्ण नहीं रहे और औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे के मुख्य ग्राहक बन गए। अब यहाँ देखिए, प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहली बार राष्ट्रों ने व्यापार कर संख्यात्मक प्रतिबंध लगाए और विश्व युद्ध के दौरान व्यापार विशुल्क हेतु सामान्यतः समझौता गेट जैसे संस्थाओं ने जो विश्व की
जो कि बाद में विश्व व्यापार संगठन WTO बना शुल्क को घटाने में सहायता की। क्लियर हो गया? इज इट क्लियर टू यू? ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप चैप्टर रीड करेंगे यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड इज योर चैप्टर 9। 8 चैप्टर तक हम सभी चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन आंसर आपके हो गए होंगे, आई होप आपने राइट डाउन कर लिए होंगे। देखिए, अब हम इंटरनेशनल ट्रेड देखते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है एंड इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, ठीक है? तो देखिए, शुरुआत करते हैं। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द टर्म ट्रेड एज ए टर्शियरी एक्टिविटीज विच यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 7 ऑफ दिस बुक। आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं जो ट्रेड वर्ड है उससे, ठीक है, जो टर्शियरी एक्टिविटीज़ में आपने पढ़ा था चैप्टर 7 के अंदर। यू नो दैट द ट्रेड मीन्स द वॉलेंट्री एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप जानते हैं कि जो ट्रेड है, ट्रेड का मतलब क्या है? वस्तुओं का और सेवाओं का, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज का आदान प्रदान होता है और स्वैच्छिक वॉलेंट्री होना चाहिए। टू पार्टीज़ आर रिक्वायर्ड टू ट्रेड। दोनों पार्टीज़ को, मतलब किसकी ज़रूरत होती है? ट्रेड की रिक्वायरमेंट, मतलब टू पार्टीज़ आर रिक्वायर्ड टू ट्रेड। व्यापार करने के लिए दो पार्टीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। वन पर्सन सील, एक पर्सन सील करता है एंड अदर परचेजेस, और दूसरा क्या करता है? ख़रीदता है। इन सर्टेन प्लेसेस की बात करें, पीपल बार्टर देयर गुड्स। पीपल जो हैं वो, मतलब क्या करते थे? गुड्स का बार्टर करते थे। फॉर बोथ द पार्टीज़ ट्रेड इज़ म्यूचुअली बेनिफिशियल, और दोनों ही सिचुएशन में, मतलब जो पार्टीज़ हैं वो क्या होती हैं? बेनिफिशियल होती हैं। दोनों के लिए ही जो ट्रेड है यह लाभदायक होता है। ट्रेड में भी कंडक्टेड एट टू लेवल। ट्रेड को दो लेवल पे कंडक्ट किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ द इंटरनेशनल एंड सेकेंड वन इज़ द नेशनल लेवल। इंटरनेशनल ट्रेड इज़ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स। इंटरनेशनल ट्रेड में गुड एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है अमंग कंट्रीज, कंट्रीज के बीच में, अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज, और जो राष्ट्रीय सीमाएं हैं उनको क्रॉस करते हुए, उनको लांघते हुए दो या दो से अधिक कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड किया जाता है उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। कंट्रीज़ नीड टू ट्रेड टू ऑब्टेन कम्युनिटीज़। कंट्री जो है, मतलब ट्रेड करती है किस चीज़ के लिए? कमोडिटीज़ को प्राप्त करने के लिए। दे कैन नॉट प्रोड्यूस, जो अपने आप वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती देम सेल्फ, और दे कैन परचेज एल्सवेयर एट ए लोअर प्राइस, और जहां वो उसे कम मूल्य पर खरीद कर सकती हैं। देखिए, कोई भी राष्ट्र एक ट्रेड क्यों करता है, इंटरनेशनल ट्रेड क्यों करता है? जब उसे उन वस्तुओं की रिक्वायरमेंट होती है, और ऐसी वस्तुओं की या तो जिनका प्रोडक्शन नहीं कर सकता या जिनकी कम लागत पर उसे वह अवेलेबल हो जाती हैं, तो वह क्या करता है? उसे ट्रेड करता है उसका। द इनिशियल फॉर्म ऑफ द ट्रेड इन द प्रिमिटिव सोसाइटी वॉज द बार्टर सिस्टम। यदि शुरुआत की हम बात करें तो हमारी सोसाइटी के अंदर जो ट्रेड किया जाता था वह बार्टर सिस्टम के थ्रू किया जाता था। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है? बार्टर सिस्टम का मतलब यह होता है, जैसे मेरे पास एक वस्तु है गेहूँ और आपके पास दूसरी वस्तु है चावल, ठीक है? मुझे चावल की रिक्वायरमेंट है, आपको गेहूँ की रिक्वायरमेंट है। क्लियर टू यू? तो मैं आपको क्या करूँगी, जैसे मैं आपको 1 kg चावल दे, 1 kg आपको गेहूँ दे देती हूँ, फिर आप उसके बदले में मुझे 1 kg क्या देंगे? चावल देंगे, ठीक है? तो आपस में जो ये वस्तुओं का आदान प्रदान किया गया है, ठीक है, इसमें करेंसी के द्वारा कोई परचेजिंग नहीं हुई है, वस्तुओं के द्वारा, वस्तु के बदले वस्तु देकर परचेजिंग की गई है, इसे हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। क्लियर टू यू? उसके बाद देखिए, वी आर डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स टेक प्लेस। जहाँ पर, मतलब जो वस्तुएँ हैं वो डायरेक्टली, मतलब एक्सचेंज हो रही हैं। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में यदि हम बात करें, इफ़ यू आर ए पोटर, यदि आप एक, मतलब कुम्हार हैं जो घड़ा बनाते हैं, एंड वर नीडेड ए प्लम्बर, और आपको एक प्लम्बर की ज़रूरत है, यू वुड हैव टू लुक फॉर ए प्लम्बर हु वुड वी नीड ए पोर्ट्स एंड यू कुड एक्सचेंज योर पोर्ट्स फॉर हिज प्लम्बिंग सर्विसेज। देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया, इफ़ यू आर ए पोटर, आप घड़ा बनाने वाले हैं, और नीड ऑफ ए प्लम्बर, और आपको एक प्लम्बर की आवश्यकता है, तो आपको एक ऐसा प्लम्बर फाइंड करना पड़ेगा जिसको आपके पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, ताकि आप उसे पोर्ट्स देके उसकी जो प्लम्बिंग सर्विस है उसे प्राप्त कर सकें। फिर उसके बाद देखिए, एवरी जनवरी, यदि मैं प्रत्येक जनवरी की बात करूं, आफ्टर द हार्वेस्टेड सीजन जोन बेल मेला लगता है, टेक प्लेस इन, कहां पर? जागी रोड पे, जो 35 किलोमीटर है कहां से? गुवाहाटी से। गुवाहाटी इज सिचुएटेड इन असम एंड इट पॉसिबली द ओनली फेयर इन द इंडिया वेयर द बार्टर सिस्टम इज़ अलाइव। ये सिर्फ एक लौता मेला ऐसा है जहाँ पर बार्टर सिस्टम जो है वह आज भी होता है। ए बिग मार्केट इज़ ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग द
दिस फियर, यहाँ पर मतलब इस फियर में एक बड़ी मार्केट होती है। पीपल फ्रॉम द वेरियस ट्राइब, अलग अलग ट्राइब्स और कम्युनिटीज़ के लोग यहाँ पर आते हैं जो अपने प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज करते हैं। द डिफ़िकल्टीज ऑफ द बार्टर सिस्टम ओवरकम बाई द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी, जो डिफ़िकल्टी थी बार्टर सिस्टम के लिए, ठीक है, वो अब ख़त्म हो चुकी है। किस वजह से? मनी मुद्रा के आने की वजह से। इन ओल्डन टाइम, यदि पुराने समय की बात करें, बिफोर पेपर एंड कॉइन करेंसी, पेपर और कॉइन करेंसी से पहले came into being, rare objects were with high intrinsic value served as the money, like the fine stones, obsidians, coracles, tigers, paws, wheel, teeth and top the skins, furs, skittles, rice, peppercorn, salt, small tools, copper, silver and gold. ठीक है, do you know? अब यहाँ पर हम देखेंगे the two salaries come from the Latin word. देखिए the word जो है salary, वो कौन से word से आया है? एक Latin word से आया है। Latin word कौन सा है? Salarium है, which means payment by salt, जिसका मतलब क्या है? जो payment की जाएगी वह salt के द्वारा की जाएगी। As in those time, producing salt from the sea water was unknown and could only be made from the rock salt, which was rare and expensive. यहाँ पर हम बात करते हैं as in those time, इस समय पे जो producing salt है sea water से was unknown, क्या है? unknown है, and could only be made from rock, और जिसे सिर्फ उस time पे कैसे बनाया जाता था? sea water के द्वारा, मतलब salt नहीं बनाया जाता था उस time पे, पता नहीं था इस चीज़ के बारे में। तो जो salt का निर्माण किया जाता था वह सिर्फ जो rock से प्राप्त rock से ही किया जाता था, और ये जो प्रोसीजर था ये काफ़ी एक्सपेंसिव था। दैट इज़ वाई इट बिकम ए मोड ऑफ पेमेंट, इस तरीके से यह है, इसलिए यह एक पेमेंट का मोड बना था। ठीक है, क्लियर हो गया आपको इतना। अब देखते हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इन एनिशियंट टाइम ट्रांसपोर्टिंग गुड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज वॉज रिस्की, यदि पुरानी प्राचीन समय की यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो जो ट्रांसपोर्टिंग है गुड्स का, ठीक है, ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज वो रिस्की होता था, काफ़ी दूरी के डिस्टेंसेज पे मतलब ट्रेड करना। हैंस ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू लोकल मार्केट, इसलिए जो ट्रेड है वो कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट होकर रह गया? लोकल मार्केट तक। पीपल देन स्पेंड मोस्ट ऑफ दियर रिसोर्सेज ऑन द बेसिस नेसेसिट। अब इसके बाद कहता है पीपल जो हैं वह मतलब स्पेंड करते थे मोस्ट ऑफ देयर रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज को किस चीज़ के लिए? ऊपर जो उनकी आधारभूत आवश्यकताएं होती थी। आधारभूत आवश्यकताएं क्या थी उनकी? फूड था एंड क्लोथ से। ओनली जो रिच पीपल थे ब्रोट ज्वेलरी, वही मतलब कोस्टल ड्रेसेस और रिच जो रिच पर्सन थे वहीं ज्वेलरी परचेज करते थे। एंड द रिजल्टेड इन द ट्रेड ऑफ लग्जरी आइटम, और इस तरीके से मतलब जो ट्रेड है उसमें कुछ लग्जरी आइटम्स इन्वॉल्व हुए। द सिल्क रूट, आपको पता होगा सिल्क रूट के बारे में, इज़ एन अर्ली एग्जांपल ऑफ ए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड कंसंट्रेटिंग रोम टू चाइना, कनेक्टिंग रोम टू चाइना। ठीक है, जो सिल्क रूट है वो एग्जांपल है आपके सामने एक लंबे डिस्टेंस का जो ट्रेड किया जाता था कनेक्टिंग, जो रोम को चाइना से कनेक्ट करता है, अलोंग द 6000 किलोमीटर रूट, जिसका कितना रूट लंबाई है? 6000 किलोमीटर है। द ट्रेडर्स ट्रांसपोर्टेड चाइनीज सिल्क, जो ट्रेडर्स थे वो यहाँ से किस किस चीज़ का ट्रेड करते थे? वो यहाँ पर चाइनीज सिल्क का, रोमन वूल का, प्रीसीस मेटल का, मैनी अदर हाई वैल्यू कमोडिटीज थी फ्रॉम द इंटरमीडिएट पॉइंट इन इंडिया एंड पर्शिया। पर्शिया यहाँ पर कौन है? ईरान कंट्री को ही क्या बोला गया है? पर्शियन कंट्री बोला गया है। एंड सेंट्रल एशिया, आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रोम एम्पायर, यूरोपियन कॉमर्स ड्यूरिंग द 12th एंड 13th सेंचुरी विद द डेवलपमेंट ऑफ ओशियन गोइंग वारशिप ट्रेड बिटवीन यूरोप एंड द एशिया ग्रो एंड द अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड। ये कहता है कि जब यहाँ पर हम बात करें डिसइंटीग्रेशन, विभाजित हो गया जो रोमन एम्पायर था और जो यूरोपियन कॉमर्स है, जो यूरोपियन व्यापार है, ठीक है, वहाँ की यदि मैं बात करूँ तो ग्रो ड्यूरिंग, वो किस टाइम पे ग्रो हुआ? 12वीं और 13वीं शताब्दी में ग्रो हुआ, जब जिस टाइम पे मतलब डेवलपमेंट हुआ जो ओशियन वाले रास्ते हैं वहाँ से। एंड एशिया ग्रो एंड द अमेरिकन वास अमेरिका को डिस्कवर्ड किया गया। 15th सेंचुरी की यदि हम बात करें तो द यूरोपियन कॉलोनाइजम बिगिन, 15वीं शताब्दी में यूरोपियन जो उपनिवेशवाद था उसकी शुरुआत हुई। एंड अलॉन्ग विद द ट्रेड ऑफ एक्जोटिक कमोडिटी ए न्यू फॉर्म ऑफ ट्रेड, और यहाँ पर एक मतलब कमोडिटीज़ का जो ट्रेड होता था उसके साथ साथ यहाँ पर एक ट्रेड की अलग सी फॉर्म दी गई है जिसे क्या कहा गया है? स्लेव ट्रेड। द जो पुर्तगीज थे, डच थे एंड स्पेनियर थे एंड ब्रिटिश कैप्चर्ड अफ्रीकन नेटिव फोर्सफुली ट्रांसपोर्टेड डैम टू द न्यूली डिस्कवर्ड अमेरिकाज फॉर देयर लेबर इन प्लांटेशन। ये कहता है इस तरीके से हम कह सकते हैं जो ब्रिटिश हैं कैप्चर्ड अफ्रीकन नेटिव को कैप्चर करते थे एंड फोर्सफुली उन्हें ट्रांसपोर्ट करते थे न्यूली डिस्कवर्ड अमेरिका में फॉर देयर लेबर, अपनी लेबर के लिए, प्लांटेशन के लिए, प्लांटेशन में जो लेबर की रिक्वायरमेंट है उसके लिए
में स्लेव ट्रेड वाज लुक्रेटिव बिजनेस, और यह स्लेव ट्रेड जो है वह काफ़ी अट्रैक्टिव बिजनेस दिखा फॉर मोर देन 200 ईयर्स, लगभग 200 साल तक, टिल इट वाज अबोलिस्ड इन डेनमार्क इन 70, कब तक, जब तक डेनमार्क में 1792 में और ग्रेट ब्रिटेन में 1807 तक और यूनाइटेड स्टेट में है 1808 तक रहा। आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति के आने के बाद भी द डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल लाइक द ग्रेन मीट वूल आल्सो एक्सपेंडेड एंड बट देयर मोनेटरी वैल्यू डिक्लाइंड इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चर गुड। अब देखिए द इंडस्ट्रियलाइज नेशन इंपोर्टेड प्राइमरी प्रोडक्ट, जो इंडस्ट्रियलाइज नेशंस हैं इंपोर्टेड प्राइमरी प्रोडक्ट, उन्हें जो प्राइमरी प्रोडक्ट की ज़रूरत होती थी जैसे कि रॉ मटेरियल्स, एक्सपोर्टेड द वैल्यू एडेड फिनिश प्रोडक्ट, और वो एक्सपोर्ट करते थे वैल्यू एडेड जो फिनिश प्रोडक्ट होते थे, ठीक है, बैक टू द नॉन इंडस्ट्रियलाइज नेशंस, ठीक है। इंडस्ट्रियल जो औद्योगिक राष्ट्र थे वो मतलब अच्छी रॉ मटेरियल्स को प्राप्त करके और उससे मतलब फिनिश्ड गुड बनाते थे और फिर उसके बाद उसे एक्सपोर्ट कर देते थे नॉन इंडस्ट्रियलाइज नेशंस में। इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, यदि 19वीं सदी के आधे से ज़्यादा की बात करूँ तो रीजन प्रोड्यूसिंग प्राइमरी गुड्स, और इन्होंने मतलब प्राइमरी गुड्स को क्या नाम है प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। वी आर नो मोर इम्पोर्टेंट एंड इंडस्ट्रियल नेशन बिकम ईच अदर प्रिंसिपल कस्टमर्स। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड सेकेंड कंट्रीज इम्पोज ट्रेड टैक्सेस, द्वितीय और जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो कंट्रीज ने उन पर क्या ट्रेड टैक्सेस लगाने स्टार्ट कर दिए एंड क्वान्टिटेटिव रेस्ट्रिक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम, और पहली बार इन पर कुछ क्वान्टिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगी। ड्यूरिंग द पोस्ट वार पीरियड, और जब युद्ध के बाद की जो स्थिति थी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई लाइक द जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है, विच लेटर बिकम ए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो बाद में किस में बदल गई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में बदल गई, हेल्प इन रिड्यूसिंग टैरिफ, और उसने मतलब मदद की टैरिफ को रिड्यूस करने में। क्लियर हो गया आपको।